अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जनूबी कोरियन कंपनी सैमसंग ने A23 4G को मुतारफ कराने के बाद 4 माह के अरसे गुजरने के बाद उसके 5G वर्जन को 3 मुख्तलिफ मॉडल्स में फरोख्त के लिए पेश कर दिया है। दोस्तों, इस फ़ोन की तफसीलात इस वीडियो में जारी रहेगी। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि आने वाली हर ऐसी वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A23 4G कंपनी को 9 बरस मार्च में एम सीरीज़ के 2 फोन्स के साथ 2 अपने नए फोन्स मुतारफ किए। A23 4G को 6.6 इंच और 50 मेगापिक्सल में मेन कैमरा के साथ पेश किया गया है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई थी। इस तरह कंपनी ने 5G को 6.6 इंच स्क्रीन और 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा के साथ पेश किया है, जबकि इसमें बैटरी भी वही 5000 mAh की दी गई है। 5G फ़ोन के बैक पर 50 मेगापिक्सल मेन, 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर कैमरा मौजूद है। फ़ोन में 5000 mAh बैटरी 25 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है। सैमसंग A23 5G में स्नैपड्रैगन 695 की चिप और एंड्रॉयड 12 के ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जो कि फ़ोन को मज़ीद ताकतवर बनाता है। मोबाइल के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, जबकि इस 3 मुख्तलिफ रंगों और मॉडल्स में पेश किया गया है। A23 5G को 4, 6 और 8 GB रैम, जबकि 64 और 128 GB मेमोरी के साथ पेश किया गया है। और फौरी तौर पर कंपनी ने इसकी कीमत नहीं बताई है, ताहम अमकान है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 75,000 रुपये तक होगी। A23 4 GB की रैम की कीमत 45,000 रुपये, जबकि 6 GB रैम की कीमत 62,000 और 8 GB रैम की कीमत 75,000 रुपये के लगभग होने का इम्कान है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली ऐसी वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल सके।